फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीडीई का लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। फ्रेंड्स, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? हमारे पास अगर सपोज कि ये कोई फंक्शन है u, और वो फंक्शन है f x एंड y का फंक्शन है, देन इस केस में u कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। अगर फंक्शन x जो है वो कोई अलग फंक्शन t का फंक्शन हो, y भी अलग फंक्शन हो, एक g और सॉरी h ऑफ t का फंक्शन हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो फंक्शन है u एक कंपोजिट फंक्शन है ओनली वन वेरिएबल t का। यानी इसको हम लिख सकते हैं u बराबर f x ऑफ t y ऑफ t। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है t का। और सपोज कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास u जो फंक्शन है, अगर u इस तरह का फंक्शन है, f x एंड y फंक्शन ही है हमारे पास, और u जो फंक्शन है, सॉरी जो x जो फंक्शन है वो g u एंड b का फंक्शन है, y जो फंक्शन है वो h u एंड b का फंक्शन है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उस केस में हमारे पास u जो होगा वो हो जाएगा f g u b एंड h यू बी ये। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो यू जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है, और दो वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन है ये, और जो दो वेरिएबल है वो है यू एंड बी। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और फिर कंपोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन इन वन वेरिएबल के केस में, ये हम इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारे पास वन वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन है यू, देन इस केस में अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहें तो डेल यू अपॉन डेल टी निकालना है हमें। तो डेल यू अपॉन डेल टी निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, यू प्लस डेल यू माइनस यू अपॉन एफ एक्स एंड वाई सॉरी डेल टी, ये हो जाएगा। बट u प्लस डेल यू में जब चेंज, u में कुछ चेंज हुआ है डेल u, तो इस पूरे फंक्शन में भी कुछ चेंज होगा। तो इस फंक्शन में जो चेंज हुआ उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे f x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस f x y अपॉन डेल t, यानी कि डेल यू अपॉन डेल टी बराबर आ गया हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल टी। ये हमारे पास क्योंकि जब यू में डेल यू चेंज हुआ है तो एक्स में भी कुछ चेंज होगा, तो एक्स में जो चेंज हुआ डेल एक्स और वाई में जो चेंज हुआ डेल वाई से हमने शो कर दिया। अब फ्रेंड्स, हम इसी टर्म में क्या कर रहे हैं, एक टर्म ऐड कर रहे हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स y, और यही हम माइनस भी करेंगे क्योंकि जब हमने ऐड किया है कुछ तो उसको माइनस भी करना होगा। तो ये होगा f x प्लस डेल x एंड y, यानी हमने इसको ऐड किया है और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में अब इसको हम लिख सकते हैं f x प्लस डेल x माइनस इस टर्म को यहां पे f x प्लस डेल x एंड y अपॉन डेल टी प्लस, अब इस टर्म को साथ एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल टी। तो इसको हम इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। अब फिर क्या कर रहे हैं, हम इसी टर्म में डेल एक्स और डेल वाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, डेल एक्स का मल्टीप्लाई किया ऊपर पूरे इसमें, डेल एक्स का मल्टीप्लाई किया और डेल एक्स से डिवाइड किया, इस तरह इसमें डेल वाई से मल्टीप्लाई किया और डेल वाई से डिवाइड किया। तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, को यहां पे यहां लिख दिया और ये लिख दिया डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस, इस तरह से इसको हमने रिअरेंज किया। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स
और ये f x plus del x and y का फंक्शन है फ्रेंड्स, एंड y माइनस f x y, ये हो गए हमारे पास del y और del y अपॉन del t, ये हमने लिख दिया अब यहाँ पे। अब फिर चूंकि ये del u अपॉन del t, ये del u अपॉन del t वाले del t tends to zero, del t tends to zero हो तो इसका मतलब del x tends to zero करेगा, del y tends to जीरो होगा, एंड डेल एक्स तो इसमें जो चेंज है ये भी जीरो की तरफ टेंड करेगा और ये डेल वाई जो है इसमें भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास डेल यू अपॉन डेल टी को लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी टी, एंड डेल यू अपॉन सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल टी को लिख सकते हैं डी यू अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी, एंड डी सो डेल वाई अपॉन डेल टी को लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल टी डी वाई अपॉन डी टी, तो ये लिख सकते हैं। अब चूंकि लिमिट जो है वो ये डेल टी टेंस टू जीरो में अप्लाई करता है डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो वैल्यू है ये जो फंक्शन है ये डेल एक्स भी शामिल है इसमें ये वाला फंक्शन, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि डेल टी टेंस टू जीरो है इसलिए डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गए हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई एंड एफ माइनस एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। तो फिर चूंकि यहाँ पे जो चेंज हुआ है ओनली डेल एक्स में हुआ है, यहाँ पे डेल एक्स का डेल एक्स ही है वाई और वाई प्लस डेल वाई है यहाँ पे, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग यहां से हम लिख सकते हैं इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब सिमिलरली इसके लिए इस टर्म के लिए हम जब डेल वाई टेंस टू जीरो होगा तो उसको लिख देंगे हम, जब डेल वाई टेंस टू जीरो होगा तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो अब यहां से हम जो इसका जो फॉर्मूला है जो डेल यू अपॉन डेल टी चल रहा था इसका फॉर्मूला यहां से हम दे सकते हैं, यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जो फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट हुआ डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू ये टर्म जो थी ये टर्म हुई डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, उसके बाद जो डेल एक्स अपॉन डेल टी जो हुआ वो डी एक्स अपॉन डी टी में चेंज हुआ डी एक्स अपॉन डी टी प्लस उसके बाद ये टर्म जो चेंज हुई ये हुई डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये हुआ डेल एफ अपॉन डेल वाई, और जो ये टर्म जो चेंज हुई डी यू डेल डेल वाई अपॉन डेल टी जो कि यहाँ पे हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर हम हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि अगर जैसे फंक्शन जो फंक्शन था u जो था वो f उसको f से डिवाइड किया था वो x और y में था, तो यहाँ से हमारे पास पहले उसका जो डेरिवेटिव सिंपली x के रेस्पेक्ट में पार्शियल निकालेंगे, उसके बाद जब हम x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे t का सॉरी x जो फंक्शन होगा उसका t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। इस तरह से f का पहले y के रेस्पेक्ट में पार्शियल निकालेंगे उसके बाद y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास है u बराबर साइन इनवर्स x माइनस वाई जहां पे x बराबर है 3t एंड y बराबर है 4t क्यू, तब हमें शो करना है कि du अपॉन dt बराबर
थ्री अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर है। तो फिर इसको सॉल्व करने के हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे अगर सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दे और पूर्ण कंप्लीट डेरिवेटिव निकाल दे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, बट हमें इसमें जो हेल्प लेनी है हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प। तो पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प में क्या होता है, हमारे पास डी यू अपॉन डी टी का जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था डेल एफ, या जो ये फंक्शन है एफ इसको पूरे को डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ और डेल एक्स अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका हमें यू बराबर ये एफ है हमारे पास एक्स और वाई का फंक्शन, तो पहले हमें डी यू अपॉन डी टी के लिए क्या निकालना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स का हो जाता है वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो एक्स माइनस वाई का करेंगे ये इसका पार्शियल ही हो गया, फिर जो अंदर वाली टर्म है उसका करेंगे तो उसका हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई का सिंपली वन हो जाएगा, क्योंकि वाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा एक्स का करना है तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा। अब हमें करना है डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी एक्स बराबर क्या है थ्री टी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डी थ्री टी अपॉन डी टी बराबर थ्री। इस तरह डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा, और अब x माइनस वाई अंदर वाली टर्म का करना है तो चूंकि y जो है वो नेगेटिव टर्म है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं डेल अपॉन डेल टी डेल x सॉरी डेल y x माइनस वाई का कर रहे हैं, तो यहाँ पे x तो कांस्टेंट रहेगा तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो वन होगा बट माइनस का, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं माइनस का साइन यहाँ आगे आ जाएगा ये हो गया, और साथ में हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी यानी वाई बराबर क्या है फोर्टी क्यू, तो 40 क्यू का करेंगे तो बार है 12 टी स्क्वायर, तो ये हो गया 12 टी स्क्वायर। अब फिर x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले x और y की वैल्यू पुट करने से पहले इसमें जो फॉर्मूले में जो फॉर्मूला था इसमें वैल्यू रखते हैं, तो डेल f अपॉन डेल x एंड डेल f अपॉन डेल y में देखें सिर्फ माइनस के साइन का अंतर है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास डी यू अपॉन डी टी बराबर वन अपॉन फ्रेंड्स यहां पे सिर्फ साइन माइनस के साइन के अंतर है, तो यहां से हम कह सकते हैं डेल एफ अपॉन सॉरी डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई कह सकते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को तो यही रहने देते हैं हम, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री, और ये हो गया हमारे पास, तो यहां से डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर क्या जाएगा माइनस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू लिखनी है तो ये 12 टी स्क्वायर। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन आ गया तो ये हो गया 3 माइनस 12 टी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम 3 कॉमन ले ले तो 3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 4 टी स्क्वायर अपॉन 4 टी स्क्वायर और डेल एफ अपॉन डेल टी ये हो गया हमारे पास। अब हमें डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट कर देनी है फ्रेंड्स इसमें, तो डेल एफ अपॉन डेल टी की जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहां से हो गया डेल एफ अपॉन डेल सॉरी डी एफ अपॉन डी यू अपॉन डी टी बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास ये थी
ये वाली वैल्यू, तो ये पुट करेंगे तो ये वन अपॉन रूट वन माइनस, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t, एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4t क्यू और इसका स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास ऊपर क्या है 3 का मल्टी 3 और 1 माइनस 4t स्क्वायर ये। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, इस टर्म को जब सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करना होगा, मैं यहां से t कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस t कॉमन हो गया तो 3 माइनस 4 t स्क्वायर का होल स्क्वायर 3, ये 1 माइनस 4 t स्क्वायर है। अब फिर इसको ओपन करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन फिर यहां पर टी कॉमन लिया तो टी स्क्वायर बाहर आएगा, इसमें टी कॉमन लिया तो टी स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये हो गया हमारे पास, इसको ओपन किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ इससे 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 16 टी फोर, टी का मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा 9 टी स्क्वायर, ये टी की पावर 4 हो जाएगी और ये हो जाएगा 6 और ये ऊपर हमारे पास 3 1 माइनस 4 टी स्क्वायर ये हो जाएगा। जब इसका हम फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनने पे हमारे पास जाएगा 3 1 माइनस 4 टी स्क्वायर, तो इसका है ही फैक्टर, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये इसकी पावर 1 बाई 2 है फ्रेंड्स, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 16 टी फोर, तो ये यहां से ये हमारे पास इसकी पावर 1 बाई 2 है तो 3 1 माइनस 4 टी स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस 4 टी का होल स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे 1 बाई 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 4 टी स्क्वायर, तो जो होल स्क्वायर की वजह से ये पावर कट जाएगी इससे ये कट जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास बचा 3 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट, तो ये फ्रेंड्स इस तरह से प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में या किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट्स हो, आपको कुछ डाउट्स पूछने हो उससे, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, इस पे व्हाट्सएप करना है फ्रेंड्स, कॉल नहीं करना है, डोंट कॉल, एंड अगर मुझे मेल करना है तो मेल कर सकते हो hitesha9785@gmail.com, यहाँ पे आप उसे मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।